मेरा नाम नौशेरवान टिवाना है. मेरा ताल्लुक टिवाना फैमिली से, हम सरगोधा के पास है, जहानाबाद वहाँ से हैं. और बॉर्न एंड ब्रेड भी मोस्टली वहीं पे ही. मैंने वहाँ से फिर एजुकेशन रिसीव की HSN कॉलेज लाहौर से. छोटे होते से ही गाड़ियों का भी बहुत शौक था, और ज़्यादा ऑफ रोड ये ओरिएंटेशन इन गाड़ियों के साथ ये हुई शिकारों पे. उस पर हम सीखते भी थे, बड़ों को देखते भी थे कैसे ड्राइव होता है या कैसा एक्सपीरियंस होता है. तो वो चीज़ जो है वो फिर साथ साथ एक्सपीरियंस भी होती आई, मज़ीद ट्रिगर भी होती आई. रैलीज़ का एक तो शुरू से बड़ा शौक था, क्योंकि ऑन रोड तो मतलब हर जगह बहुत ज़्यादा प्रमोटेड रहती है. रैली रेसिंग एक ऐसी वो कम्युनिटी है जो ओवरऑल पूरी दुनिया में थोड़ी लिमिटेड हद तक है, हालांकि डिज़र्व सबसे ज़्यादा अटेंशन करती है. ख्याल तो सिर्फ इतना ही होता था कि भाई ऑफ रोड रेसिंग और ये सारा इसका शौक है, कहीं बाहर जाएंगे. यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स का पहले अवेयरनेस एटलीस्ट नहीं थी, अगर प्लेटफॉर्म्स थी भी तो. मेजर जो इंस्पिरेशन है वो हैं दो चीज़ें. एक है जो ये चोलिस्तान डेजर्ट रैली, ये जल मक्सी का चैलेंज, इनका सुनते थे हम छोटे होते हुए. और ड्यू टू सेवरल रीजंस और सेफ्टी, और वो क्योंकि अभी एज पूरी नहीं थी तो हमें जाने की और वो उस तरह की इजाज़त नहीं होती थी, क्योंकि छोटे होते से ये चोरी गाड़ी चलाना ये सारा जो है ये तो फिर हम सब की आदत है. और दूसरे होते थे हमारे जो सीनियर्स और पेटर्न्स हैं आज ये मोटर स्पोर्ट्स में पाकिस्तान में, तो उनको जब देखते थे, उनकी वो ड्राइविंग, उनका टैलेंट, उनकी वो जो पूरी एक्टिविटी होती थी. मैं पहली बार चोरिस्तान डेजर्ट रैली देखने गया था 2010 में, तो वहाँ पे कई साहबान जिसमें से आप मेजरली हाईलाइट कर सकते हैं नादिर मक्सी साहब को, उनको जब ड्राइव करते हुए देखा और जब उनकी वो पूरी मशीनरी और वो सारा और एक सिस्टम वो देखा, तो फिर ज़्यादा एक शौक जो था उसको डायरेक्शन देने की एक वो तरीका नज़र आया. बट तब एज भी इतनी नहीं थी, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड जी अब. और तब इस तरह नहीं टाइम स्पेयर कर सकते थे, क्योंकि HSN के बाद यूनिवर्सिटी और फिर तालीम को एक दफ़ा पूरा करके तो फिर इस रेसिंग में एंटर हुए. तो बस उनके ही फुटस्टेप्स फॉलो कर रहे हैं जो हमारे ऑलरेडी सीनियर्स और पेटर्न्स यहाँ पे रेसिंग करते हैं. उनसे जितना हम सीख सकते हैं, जितना हम हम्बली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, वो सारा किया है. और अल्हम्दुलिल्लाह अब उम्मीद है कि कुछ एक चैनल या एक रास्ता अपना सीधा कर लिया. सोचा यूं था कि ऑफ रोड ये 4x4 ऑफ रोडिंग क्लब्स होते हैं, तो वो एक दो क्लब्स बनाए, कुछ दोस्त यार थे, अजीज़ थे, मिलजुल के सारों ने एक वो किया. तो पहले ये ऑफ रोड इवेंट्स करते थे, बट कहने को तो कई ऑडियंस के लोग समझेंगे, कई नहीं समझेंगे, इट वॉज़ नॉट इनफ. तो प्रॉपर इवेंट्स होते नहीं हैं यहाँ पे जो सिर्फ स्लो या ऑब्स्टिकल रेसिंग या ये ऑफ रोडिंग के होते हैं. यहाँ पे अभी सिर्फ ऑफ रोड रेसिंग है. तो वो फिर थोड़ा सा हमने इसको करते हुए एक क्लब बनाया, पाकिस्तान मोटर रेसिंग क्लब, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट हैं सरदार असन सादिक, वाइस प्रेसिडेंट मैं खुद हूँ, और हम लोगों के मेंबर्स हैं, रेसर्स हैं तकरीबन 16-17 प्लस. वो एक दूसरे को फिर हेल्प करते रहे, कहीं पे अगर एक सीनियर बंदा है जो उसका तजर्बा है या जो उसका इल्म है उसका फ़ायदा लिया, कहीं पे जहाँ पे हम लोग ज़रा पुश करने को या हिम्मत करने को ज़रा ज़्यादा करना चाह रहे हों, तो वो सारे क्लब को फिर एक टीम को बंदा लेके चलता है. मैंने शुरू खुद स्टॉक से किया, और मैं जो भी रेसिंग में आना चाहे, चाहे उसका वैसे अनऑफिशियल जितना भी ऑफ रोड तजर्बा है, आई वुड सजेस्ट कि वो स्टॉक कैटेगरी से शुरू करें, क्योंकि हर चीज़ कोई भी काम करना उसकी पहले आप एक बेस सेट करते हैं, वो बेस सेट करके तो वहाँ से आगे चलते हैं. तो स्टॉक कैटेगरी में होता ये है कि लाइक प्रिपेयर्ड इंजन पावर के हिसाब से कैटेगरीज़ बनाई जाती हैं. ये कोई इंटरनेशनल रूल्स नहीं है जो हमारी कैटेगरीज़ हैं, ये किसी भी बाहर के या इंटरनेशनल रेसिंग के वो मेरिट पे नहीं आती, हमारे हिसाब से अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से हैं. उसमें यूँ है कि 0 to 1800 cc जो है वो है जी डी स्टॉक या डी प्रिपेयर्ड, 1800 to 2700 है फिर सी स्टॉक, सी प्रिपेयर्ड. सी स्टॉक में उससे कम रखा हुआ है, क्योंकि 2700 वो जस्टिफाई नहीं होता. बी स्टॉक हो या प्रिपेयर्ड हो फिर जी 2700 to 3400 है. ए स्टॉक या प्रिपेयर्ड, ए प्रिपेयर्ड विच इज़ कंसिडर्ड द मेन इवेंट जिस पे मैं बाद में आऊँगा, वो आप फाइनेंशियल बीच में इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे थे, वो 3400 अबाव होती है, उसको ओपन कैटेगरी भी कहते हैं. ए प्रिपेयर्ड देखा जाए तो सबसे एक्सपेंसिव है. रेसिंग ओवरऑल भी इज़ नॉट चीप, इट डेफिनेटली कॉस्ट यू अ लिंब. लेकिन ए प्रिपेयर्ड में क्योंकि सबसे ज़्यादा तगड़ी गाड़ी चाहिए होती है, सारी एफर्ट पूरी टीम का सब कुछ जो है वो आपका ज़्यादा ही बीच में लग रहा होता है, ऑटोमेटिकली वो हर चीज़ का एक एक्सपेंस है एट द कॉस्ट ऑफ.
I would suggest जी कि अगर किसी को शौक है ना, if someone wants to know कि कैसे होता है, तो वो अपनी शौकीन बंदे के पास SUV भी होता है या 4x4 होता है at least, वो Jeep हो, SUV हो, जो भी हो, उसमें सामान रखें, थोड़ा सा travel करें हर साल, थोड़ा experience लें. ये एक ऐसी चीज़ है जिसका ना कोई merit है, ना कोई एक particular line आप draw कर सकते हो कि ये करोगे तो बच जाओगे, ये करोगे तो फंस जाओगे. ये आपने हर सिचुएशन पे इम्प्रोवाइज करना है. वो तभी होगा जब आपके पास एक वो स्किल सेट आप अपना शार्पन कर लेंगे. सो देन आई परचेज्ड निसान नवारा जी 2013 मैनुअल डीजल टर्बो एंड दैट व्हीकल वाज ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू बिकॉज इन रेसिंग यू नीड अ फ्रेश एंड व्हीकल दैट्स गॉट ऑल इट्स स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट ताकि वो लास्ट करे कुछ रेसेस में, क्योंकि ऑफ रोड रेसिंग में तो देर इज़ अ लॉट ऑफ बीटिंग इन्वॉल्व्ड. तो वो निवारा में लाया. मेरा पहला इवेंट था स्कर्दू का जो पाक व्हील्स ने सरफरंगा डेजर्ट चैलेंज करवाया था. अल्हम्दुलिल्लाह वो जो शिकारों में या बाकियों में द प्रैक्टिस दैट आई हैव हैड आई अप्लाइड इट टू माय बेस्ट दैट आई कुड एट दैट टाइम गिवन द एक्सपीरियंस आई हैड. आई स्टूड फर्स्ट सी स्टॉक की मैंने पोजिशन ली. आई स्टूड फर्स्ट इन सी स्टॉक और वहाँ से फिर थोड़ा सा चीज़ों का बेहतर आइडिया होना शुरू हुआ. Until you are not in the playground, you cannot imagine the ground realities. I shifted to Toyota Hilux G4-liter V6, and it has been a great experience. There is nothing as robust as a Toyota, and really enjoyed it. I did the Cholistan Desert Rally on that Hilux. It is a long track. I was in A stock, and A stock was at the time, I believe, somewhere around 250 kilometers. So 250 kilometers, ek gaadi lagatar non-stop beating bardasht kar le. तो वो चीज़ बड़ा इन्जॉय की. द सस्पेंशन द पार्ट्स दैट वी हैड इंस्टॉल्ड एवरीथिंग दे रिस्पॉन्डेड टू देयर रिस्पेक्टिव परफॉर्मेंसेस एंड आई रियली हैड अ गुड टाइम. आई हैव अ सिल्वराडो Z71. इट इज़ फैक्ट्री इंस्टॉल्ड बाहा किट एंड इट इज़ अ 5.3 V8 एंड आई विश टू रेस इन द ए प्रिपेयर्ड. सिल्वराडो इसलिए अच्छा लगा कि मुझे अपनी ड्राइविंग के हिसाब से उस गाड़ी की बड़ी सही समझ आई. उसका स्टांस, उस गाड़ी के जो लेंथ है, उसका जो एक वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इंजन पावर है, वो सब देखते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो है. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इंटरनेशनली देखें तो वी रैली रेसर्स रियली लुक अप टू सर्टन पीपल सच एज बीजे बॉल्डविन या ये जो बाहा 500 बाहा 1000 भगाने वाले हैं, उनको भी हम देखते हैं. थोड़ा हमें वो होता है कि कुछ सीखने को भी मिलेगा. शौक से देखते हैं, बड़ा ज़बरदस्त ड्राइवर्स हैं. तो वो होते हैं ट्रॉफी ट्रक्स. ये सिल्वराडो जो है, इस कैटेगरी की और भी गाड़ियां हैं बट क्लोजेस्ट एग्जांपल ये सिल्वराडो जो है, दिस इज़ समवॉट ऑफ अ रैली ट्रक कंपैरेटिवली. उस जैसी चीज़ है, फोर व्हील ड्राइव है लेकिन, और इसमें फैक्ट्री से ये बाहा किट से जैसे मैंने पहले बताया लॉन्ग ट्रैवल किट लगी हुई आती है. शॉक्स का सारा वो हुआ हुआ होता है. कुछ उसमें अपग्रेड्स बाद में की, बेड केज वगैरह पीछे जो बनवाना पड़ता है लॉन्ग ट्रैवल गाड़ी के लिए, अच्छे शॉक्स बीच में डाले हमने, ये बाईपासेस वाले जो लॉन्ग ट्रैवल के, लीव स्प्रिंग्स वगैरह, वो आपको बेसिक गाड़ी की सारे बोल्ट्स एंड एजेस चेंज करने पड़ते हैं. और उसमें फिर शॉक्स की वो सेटिंग्स, वो चीज़ें समझना भी बड़ा मज़ा आया, उसको भगाने का भी बड़ा मज़ा आया. एंड इट्स अ फास्ट कार. ये इंजन सिल्वराडो Z71 वाला, ये अच्छी अच्छी जो शेवी की स्पोर्ट्स कार्स हैं उनमें आता है. तो इट्स अ नाइस टॉय टू प्ले विद. रोल केज हो, हेलमेट हो, बेसिक जो आपकी सेफ्टी के प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं आपको ज़रूर लेने चाहिए. सीट बेल्ट हो ज़रूर, इफ़ नॉट 4-point हार्नेस एटलीस्ट रेगुलर वाली ज़रूर हो और तसली से चेक की हुई हो. कोई ड्राइवर, चाहे वो कोई एक्सेप्शनल केस ना हो ऑफकोर्स, तो कोई ड्राइवर भी ऐसा नहीं है जो नेविगेटर के बगैर सक्सेसफुली कर सके. उसमें बड़ी छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं मेन रोड पे जा रहा हूँ तो मुझे रास्ता पता है, वो नज़र आता है, बोर्ड लगे होते हैं. रेसिंग ट्रैक पे आपके कोई बोर्ड या कुछ नहीं लगा होता है. आपने रेकी की होती है, वो एक नक्शा बना होता है. द ड्राइवर कैन आइदर ड्राइव एंड रेस या वो नक्शा देख सकता है. वो नेविगेटर देखता है, वो बेसिकली आपके आइज़ और हैंड्स होता है. वो आपको बताता है कि भाई आगे इस तरह ये आने वाला है, वो आने वाला है, क्योंकि आप तो एक रेसिंग स्पीड पे होते हैं, क्रूजिंग नहीं हो रही होती. तो उस स्पीड पे ड्राइवर के लिए ये सारा कुछ इकट्ठे कर लेना एट टाइम्स पॉसिबल भी होता है. अच्छे ड्राइवर्स कर भी लेते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट के डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है अगर आपका नेविगेटर सॉलिड हो. उससे ज़्यादा ज़रूरी बात कि आप और आपके नेविगेटर की एक केमिस्ट्री हो, सही हो, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हो, आप एक दूसरे की लैंग्वेज समझें.
आपका एक जो पेयर है वो रेसिंग में चेंज ना हो, क्योंकि वो केमिस्ट्री बनाते बनाते इस तरह इवेंट्स ख़राब होते हैं लोगों के. आई बिलीव कि द ड्राइवर एंड द नेविगेटर शुड बी रिकग्नाइज्ड एज अ टीम, एज अ होल, और उनको इकट्ठे हर चीज़ की अप्रिसिएशन या ग्लैमर या फेम वो मिलना चाहिए. कंपनीज़ हैं जो स्पॉन्सर करती हैं, जैसे हमारी PMRC पाकिस्तान मोटर रेसिंग क्लब इज़ स्पॉन्सर्ड बाय गार्ड, और गार्ड के जो CEO और चेयरमैन हैं शहजाद मलिक साहब, वो हमारे क्लब के वो भी हैं पेट्रन इन चीफ. आई डोंट थिंक जी कि ये अब साइड लाइन कर सकता हूँ. मेरा पर्सनली हॉर्स राइडिंग का भी बहुत शौक है. मैंने पोलो भी सीखी हुई है और टेंट पैगिंग का भी बहुत शौक है. टाइम का एक इशू होता है, अगर मैं अपनी इस एज में वो छोड़ के और ये रैली रेसिंग कर रहा हूँ तो होपफुली आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से करम हो तो ये रेसिंग कंटिन्यूड रखेंगे. पाकवीज जी, एक तो इज़ अ ब्रिलियंट आइडिया. हमारे मुल्क में समझें अगर गाड़ी के चार पहियों में से एक मिसिंग था तो वो पाकवील्स ही था. अब तो वो इतने डेवलप होती जा रही हैं कि हर गाड़ी का रिव्यू मिल जाता है, बड़ा अच्छा नॉलेज होता है. मेजरली इंटरव्यूज सुनील मान साहब के होते हैं और ही इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड ही इज़ ऑलवेज वेरी, हिज होमवर्क इज़ ऑलवेज वेरी थॉरो, सो ही नोज़ व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट, ही नोज़ हिज थिंग. मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो अब शोरूम्स में नहीं जाएंगे, वो घर बैठे ऐप पे गाड़ी ढूंढेंगे, वो बायर टू सेलर डायरेक्ट उस पे वो हो जाता है. तो बड़ा अच्छा है, इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग. और पाकवीज ने जितना इधर उधर अपना स्प्रेड कर दिया है एक्सेप्ट फॉर द मेन जो गाड़ियों की डील्स होती हैं वो बहुत अच्छा है. जो रैली इवेंट्स करा रहे हैं हर जगह करा रहे हैं, ऑटो शोज कराते हैं पाकवीज, मोटर स्पोर्ट्स हो, ऑटोमोबाइल्स इन जनरल हो, या इनकी मार्केट हो, अपडेट्स हो, वो सारा कुछ पाकवील्स इज द थिंग, वो सारा इसको कवर करती है.